मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर के पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई। इसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से दो पद नहीं संभाले जा रहे हैं, उन्हें गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इंदौर के पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई। इस घटना को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से दो पद नहीं संभाले जा रहे हैं, उन्हें गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जीतू पटवारी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जो खुद नकारा हो उसे दूसरों को सलाह नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी को खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए, जिनकी वजह से कांग्रेस लगातार हार रही है। देखिए, जो खुद गैर जिम्मेदार हो, जो खुद अलोकप्रिय हो, नाकारा नेतृत्व हो, वो दूसरों को सलाह ना दे तो बेहतर है। सबसे पहले जीतू पटवारी स्वयं अध्यक्ष पद छोड़ के जाए। लाखों कार्यकर्ता जीतू पटवारी के कार्यकाल में चले गए। उनके गृह क्षेत्र इंदौर लोकसभा का जब प्रत्याशी चला गया और सिलसिलेवार जो हार रहे हैं, ऐसे में सिर्फ उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में शांति का टापू है, मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हर अपराधी को अपराध करने की जरूरत वो करता है तो उसको पकड़ के सलाखों पे डाला जाता है और उसके हौसलों को भी ध्वस्त किया जाता है। ये भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, जीतू पटवारी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट ने आशीष अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जो सवाल जीतू पटवारी ने उठाए हैं वह सवाल आज मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि बैंक जैसी सुरक्षित स्थान पर भी लूट की घटना को अंजाम देने में वे सफल हो जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो सवाल उठाए वो सवाल आज मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि गृह मंत्री मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लचक क्यों है और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों है कि वो अब सबसे सुरक्षित जगह माने जाने वाले बैंक में भी लूट को अंजाम देने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा ने पहले बेरोजगारी बढ़ाई, फिर महंगाई बढ़ाई और इस सामाजिक असंतुलन की वजह से जो असंतोष उत्पन्न हुआ है उसने कानून व्यवस्था के सामने चुनौती पेश की है और इस चुनौती से निपटने में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो पूरी तरह से असफल और नाकाम साबित हुए हैं। तो जीतू पटवारी जी ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि गृह मंत्रालय संभालना आपके वश में नहीं है, आप दो पद नहीं संभाल सकते हैं, किसी और को ये अधिकार दे दिया जाना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश में एक कानून और व्यवस्था का राज हो और नागरिक स्वतंत्रता और निर्भय होकर घूम सके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।